लोगों में बिजनौर में चल रहे निजाम को लेकर इतना गुस्सा है कि लोगों ने अब आपूर्ति विभाग से राशन डीलरों की शिकायतें करनी बंद कर दी हैं और खुद ही इस मुहिम की कमान अपने हाथों में ले ली है। इसी के चलते गांव कराल में कुछ ग्रामीणों ने एक गाड़ी संख्या UP 20 M 7194 जिसमें राशन के गेहूं और चावल ले जाए जा रहे थे रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवर ने गाड़ी को भगा लिया। बारिश होने की वजह से गाड़ी कीचड़ में फिसली और एक और गहरे गड्ढे में उसका अगला टायर गिर गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने गाड़ी को पकड़ लिया और उसमें मौजूद दो लोगों से राशन के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। सुनिए क्या बता रहे हैं गाड़ी में सवार दोनों लोग। कराल से किसका माल है? डीलर साहब का। कहाँ ले जा रहे थे आप? नहीं तो आप तो कहाँ पूछा गाड़ी का, आपसे बताया होगा किस जगह लेके जा रहे हैं। अच्छा, काहे के लिए, क्या करना था इसका? ब्लैक करना चाह रहे थे ना आपको? ब्लैक कर रहे थे ना आप? कराल कोटे का माल है ना ये? और क्या किसका नाम दिया तुमने डीलर का? कराल का डीलर कौन है? कराल का कौन डीलर है? सुमेर। सुमेर इसको ब्लैक करने जा रहा था। कितनी गाड़ी थी आपकी? और दूसरी गाड़ी किसकी है जो इससे आगे गई? अरे दूसरी गाड़ी जो आगे लोड होकर गई वो किसकी गाड़ी है? ये तो इसने मंगवाई थी, दूसरी गाड़ी एक और लोड होके गई है। दोनों गाड़ी साथ में लोड हुई, वो गाड़ी किसकी है? गाड़ी वो भी ब्लैक होने गई है। डीलर ने मंगवाई थी, वो भी ब्लैक होने गई है ना? हाँ गई ब्लैक, वो फुल लोडिंग थी, वो उसके अंदर फुल था माल, भरी हुई गाड़ी थी। थोड़े बहुत नहीं, फुल लोड थी वो गाड़ी, आधी बड़ी हुई थी। कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई मामला नहीं है इसमें। मजदूर आदमी भाई, तुम्हें कुछ मजदूर करने के लिए। सुमेर साथ था तुम्हारे? सुमेर साथ था? हाँ हाँ, नहीं सुमेर डीलर साथ था तुम्हारे ब्लैक करने हैं? ब्लैक करने के लिए लड़का था साथ उसका, सुमेर का, सुमेर था साथ तुम्हारे? सुमेर ने भरवाया। ठीक और उतार के ले गए बिल्कुल।